हेलो एवरीवन, हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अलाइनमेंट्स के बारे में कि अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, अलाइनमेंट किस तरह से लोकेट किए जाते हैं, क्या नेसेसरी कंडीशंस होते हैं जो हमें अलाइनमेंट को लोकेट करते समय फॉलो करने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक रोड का प्लान क्या कैसा होता है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अलाइनमेंट सबसे पहले क्या होता है? अलाइनमेंट किसी भी एक रोड का, अगर आप फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का अगर आप एक रोड बना रहे हैं तो उस रोड का एक विथ होगा। उस विथ मतलब उस रोड का जो सेंटर लाइन होगा, जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को जो हम लोकेट करेंगे साइट पे, उसको हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट करना। जब हम लोग सेंटर पॉइंट को लोकेट कर देंगे तो फिर हम उस सेंटर पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, फिर उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हमारा रोड किस किस तरफ से क्रॉस कर रहा है। और फिर जो भी रोड की विथ होती है, अगर 3.75 मीटर है तो वो, अगर 7.5 मीटर है तो वो, तो हम लोग सेंटर लाइन के हिसाब से उसको प्लॉट करके टोटल रोड को कंप्लीट बना देते हैं। तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट। तो अब अलाइनमेंट जब आप साइट पे कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ नेसेसरी कंडीशंस होते हैं जो आपको उसको डिसाइड करते हैं कि अलाइनमेंट किस तरह से होगा या अलाइनमेंट के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। तो कुछ फैक्टर्स जो अलाइनमेंट के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो है, पहला ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, सेकेंड ट्रैफिक, थर्ड ज्योमेट्रिक डिजाइन, फोर्थ इकोनॉमिक्स, एंड फिफ्थ है अदर कंसिडरेशन जो मिसलेनियस कंसिडरेशन होते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है? सबसे पहले अलाइनमेंट आपको करने के लिए पहले ये समझना होगा कि जो भी हम अलाइनमेंट करते हैं हमारा पर्पस क्या होता है। हम किसी दो सिटी को कनेक्ट कर रहे होंगे तो उसके बीच में हम एक रोड प्लान कर रहे होंगे, तो उन दो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए जो हम रोड प्लान कर रहे हैं तो हम उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं। पहला कि वो आपको शॉर्टेस्ट रूट हो, जितना पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल हो सके वो रूट शॉर्टेस्ट हो। सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं कि शॉर्टेस्ट होने के साथ साथ वो ऐसा हो कि फिजिबल हो, हम उसको प्रैक्टिकली साइट पे कंस्ट्रक्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शॉर्ट के चक्कर में वो एक रिवर को ही पूरा क्रॉस कर रहा होगा, तो हम एक कंप्लीट रोड को ब्रिज के ऊपर नहीं बना सकते हैं। तो हमें कुछ रोड्स लैंड पे बनाने पड़ेंगे, कुछ हम लोग ब्रिजेस बनाएंगे, ऐसे मिला करके हम लोग एक कंप्लीट रोड बनाते हैं। तो शॉर्टेस्ट रूट का मतलब ये नहीं होगा कि जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट हो, चाहे वो लैंड पे हो या वो वाटर के ऊपर से हो। हमें शॉर्टेस्ट रूट देखना पड़ेगा कि हम फिजिबल कंडीशंस को देखते हुए, कि कॉस्टिंग को भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम ब्रिज का ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर टोटल हमें अगर 5 किलोमीटर का रोड बनाना है, अगर हम 5 किलोमीटर को टोटल अगर ब्रिज में ही बनाएंगे तो वो काफी कॉस्टली हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा शॉर्टेस्ट रूट क्या है, हमारा वहां पे सेफ्टी कंडीशंस क्या है, कि कहीं वो अगर हिली रीजन में है तो उसके साइड स्लोप मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीजें हमें अलाइनमेंट करते समय ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन अब कुछ फैक्टर्स जो हमें अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं, जिनका हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस, एक रोड अगर आप 2 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का रोड बना रहे हैं तो उसमें थोड़े थोड़े इंटरवल पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मार्क किए जाते हैं जो आपके या तो कंपलसरी होते हैं क्रॉस करने के लिए या कंपलसरी होते हैं क्रॉस नहीं करने के लिए। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होता है जहां से हमें रोड को कंपलसरीली पास कराना है, और सेकंड ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होता है जहां से हमें रोड को एकदम ही पास नहीं कराना है। तो अब वो क्या क्या कंडीशंस होंगे? पहला, जहां से आपको रोड क्रॉस करना कंपलसरी होगा, अगर आप इसमें समझे कि ये आपका एक रिवर जा रहा है, इस रिवर का सबसे कम विथ इस जगह पे अवेलेबल है, बाकी रिवर का विथ बहुत ज्यादा है। अब आपका एक सिटी है यहाँ ए और एक सिटी है यहाँ बी, आपको इन दोनों को रोड से कनेक्ट करना है। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपको इस विथ के रिवर को नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो इस पे जो आप ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे, हो सकता है कि यहाँ का जो लैंड होगा वो आपको फिजिबल नहीं होगा, तो फिर आप यहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सबसे आइडियल कंडीशन माना जाता है वो वहां माना जाता है जहां पे विथ की, जो रिवर की जो विथ है वो सबसे कम हो। तो ये इतने पोर्शन पे, इतने दूरी का जो पोर्शन है इस पे आपको रिवर की विथ सबसे कम है, इसी में आपको कहीं पे एक रोड बनाना है। तो आप सबसे पहला ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स यहां लगाएंगे कि ये वाले पोर्शन से आपको रोड पास करना ही पड़ेगा। ये एक्चुअली यहां नहीं लगाएंगे, जहां से भी अगर हमारा रोड कहीं सेंटर से आ रहा होगा तो हम एक यहां ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स बनाएंगे, एक यहां ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स बनाएंगे। अब क्या हुआ कि आप रोड किधर से ला रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि रोड इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करना चाहिए। ये आपका वो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है जो आपको क्रॉस होना ही पड़ेगा। अगर आप एक रोड यहां से बनाना शुरू कर रहे हैं और वो कुछ इस तरह से आ करके यहां तक आ रहा है, तो अब ये रोड कहां जाएगा? तो इस रोड को पहले तो इस डॉट को कनेक्ट करना है,
उसके बाद इसको इस डॉट को कनेक्ट करना है। तो अगर ये दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर लेगा तो इसका मतलब है कि आपका अलाइनमेंट ये ब्रिज के सबसे बेस्ट पोजीशन पे, जहां से ये ब्रिज बन सकता था, ये वहां से ही क्रॉस करेगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो हो सकता है कि ये रोड कुछ यहां से फॉलो करता, तो यहाँ पे तो आपको ब्रिज के लिए प्रॉपर लोकेशन है नहीं। तो आपका रोड बनाने के लिए तो आप सारी तैयारी करके रखे हैं, बट ब्रिज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा अगर, तो फिर आपका ये ए सिटी बी सिटी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जहां पे ब्रिज कनेक्ट होना है ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि आपको ब्रिज कहां पे कंस्ट्रक्ट होगा, और उसके बाद आपको वो ऑब्लिगेटरी पॉइंट बना के तब रोड स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसको रोड के अलाइनमेंट को हम इस तरह से सेट करते हैं कि वो कभी ना कभी आपको इस ऑब्लिगेटरी पॉइंट से क्रॉस करे। फिर ये जब इसको क्रॉस करेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये पॉइंट होगा, फिर जब इसको क्रॉस कर लेगा तो फिर हमारा कोई और नेक्स्ट टारगेट होगा, या नहीं तो वो डायरेक्टली आकर के सिटी बी को कनेक्ट कर लेगा। तो ये है वो ऑब्लिगेटरी पॉइंट जो हमें क्रॉस करने हैं हर हाल में। या फिर अगर और दूसरे तरीके से समझें तो हमारा अगर यही ब्रिज आ रहा था, हम इसको अब इरेज कर देते हैं, अब हमारा यहाँ ब्रिज आ रहा था, अब हमें यहां से एक रोड बनाना, जब यहां से नहीं बना करके यहां से बनाना चाह रहे हैं, तो अब हम रोड को कुछ इस तरह से प्लान करेंगे कि ये कुछ ऐसा आकर के ऐसा ना बने। क्योंकि अगर ये इस तरह से कुछ बनेगा तो एक तो वो क्या होगा कि इसमें इतने टर्न्स आ जाएंगे कि ये आपके व्हीकल की स्पीड को मिनिमम कर देगा, जब स्पीड मिनिमम हो जाएगी तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो फिर ये रूट जो होगा ये बेस्ट पॉसिबल रूट नहीं होगा। फिर जो जो पीपल जो इस रोड को वो करेंगे, ट्रेवल करेंगे, वो इस रूट को नहीं चूज करना चाहेंगे क्योंकि इसमें आपको टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। तो हमें फिर ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स अगर क्रॉस करना है तो कुछ इस तरह से क्रॉस करना होगा कि व्हीकल की स्पीड भी आपको ज्यादा रिड्यूस ना हो। यहाँ पे आपको एक कर्व प्रोवाइड होगा, तो कर्व पे थोड़ा सा स्पीड रिड्यूस होगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको कर्व जो है बिल्कुल ब्रिज के एज पे नहीं होना चाहिए, ये ब्रिज से थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि ये वाला पोर्शन आपको स्ट्रेट मिल सके वापस स्पीड को अचीव करने के लिए। तो ये है वो ऑब्लिगेटरी पॉइंट जो आपको कंपलसरी है क्रॉस करने के लिए। अब कुछ ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होते हैं जो आपको कंपलसरी होते हैं कि आप उनको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई टेम्पल बना हुआ है, अब यहां से रोड नहीं जा सकता है, ये टेम्पल यहां से रिप्लेस नहीं हो सकता है, तो इस केस में यहां पे एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स और यहां पे एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स दे दिया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि इन ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स को हमें क्रॉस नहीं करना है। तो जो भी हम रोड का अलाइनमेंट बनाएंगे वो हमारा इस दोनों पॉइंट्स को टच नहीं करेगा। तो हो सकता है हमारा रोड कुछ इस तरह से बनेगा, या हो सकता है हमारा रोड कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो आपको क्रॉस नहीं करने हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर होगा, एक बिल्डिंग होगा, ये बिल्डिंग आपको ऑथराइज नहीं होगा कि इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, ये जिस प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा जिस भी पर्सन का, वो आपको अथॉरिटी नहीं देता है कि आपको यहां से रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो फिर आपका ये वाला जो रोड है ये आपको यहां से क्रॉस नहीं हो सकेगा। तो यहां एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स दे दिए जाएंगे कि आपको ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है, इससे आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं, आप इसके बगल से जरूर क्रॉस कर सकते हैं बट आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होते हैं, एक जिससे आप पास करते हैं, एक जिससे आप पास नहीं करते हैं। ये दोनों चीजें जब आप साइट पे जाकर के सर्वे करते हैं फिर आपको ये डिसाइड होता है कि वहां पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सेकेंड आता है ट्रैफिक। रोड अलाइनमेंट सेट करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ट्रैफिक भी होता है कि कितनी ट्रैफिक उस रोड को यूज करेगी, कि उसमें कितने व्हीकल्स आपको पर डे के हिसाब से, एक ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे होता है जो आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, वो सर्वे करके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो रोड उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो फिजिबल हो पाएगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि व्हीकल्स उस रोड को यूज कर देंगे ही नहीं, या वो रूट बहुत फिजिबल है नहीं, लेकिन आप उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, रोड बना देंगे, तो उससे आपको जो रिटर्न होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये इसलिए ट्रैफिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है रोड की अलाइनमेंट सेट करते समय। थर्ड आता है ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन जैसे कि आपके साइड स्लोप्स क्या है, फिर आपको वहां पे मटेरियल्स कितने रिक्वायर्ड होने हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि अगर वो हिल्स पे है तो हिल्स पे कितना साइड स्लोप हो पाएगा, कहीं वो साइड स्लोप आपको साइड स्लोप हट तो नहीं जाएगा, गिर तो लैंडस्लाइड तो नहीं हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ज्योमेट्रिक डिजाइन में। फिर आता है आपको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, उसका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन क्या है, कितने इयर्स में उसका रिटर्न हो सकेगा, ये तमाम चीजें आपको इकोनॉमिक्स में आती हैं। और फिर आपके होते हैं अदर कंसिडरेशन जो आपको
साइट पे जाने के बाद जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको वहां जो भी नॉर्मल आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं जो आप उनको सॉर्ट आउट करते हैं वो आपको आते हैं अदर कंसिडरेशंस में। तो ये है वो सारे फैक्टर जो आपको अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं, इनको फॉलो करना कंपलसरी होता है तभी आपके एक रोड का प्रॉपर अलाइनमेंट हो पाएगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे रोड का प्लान क्या होता है, किस तरह से एक रोड का प्लान बनता है, उसको हम लोग रीड किस तरह से करते हैं, उसका लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल किसको कहते हैं और उसके क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल किसको कहते हैं, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं। जब जो साइट सर्वे होता है उसमें लोकेशन सर्वे में आपको एक मैप तैयार किया जाता है, उस मैप में आपको बताया जाता है कि ये आपके रोड का प्लान है, उस प्लान का एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बताया जाता है जो आप रोड को आप जब साइड से देखते हैं, अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक लाइन जो है ये हमारा रोड है, अब इस रोड को हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमारा प्लान कहलाएगा, लेकिन जब हम इस रोड को साइड से देखेंगे, रोड से उतर करके बाहर आकर के हम साइड से देखेंगे तो हमें वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ये जो हमारा ब्लैक लाइन है ये हमें दिखाई पड़ेगा, अगर इसके ऊपर व्हीकल होगा तो ये इस तरह से हमें व्हीकल भी दिखाई पड़ेगा, इस तरह से। तो ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, ये जो ब्लैक लाइन बना हुआ है ये होता है हमारा प्लान, और इसके बाद जो हम लोग बताएंगे वो होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल प्लान, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब क्या होता है प्लान, सबसे पहले आप समझिए कि जब आप लोकेशन सर्वे कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये प्लान दिया जाता है। अब इस प्लान में आप देख लोगे कि ये जो आपका रेड लाइन है ये आपका कंटूर लाइन्स है, कंटूर आपने पढ़ा होगा कि एक लेवल के लाइंस को, कंटूर लाइंस होते हैं वो आपको एक लेवल को कनेक्ट करते हैं। इसमें अगर 106 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये टोटल जो ये आपको रेड लाइन है ये सारे का लेवल 106 मीटर है फ्रॉम मीन सी लेवल। अगर ये आपको 108 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से 2 मीटर ऊपर है, लेकिन ये जो लाइन कनेक्ट कर रहा है ये टोटल आपको 108 मीटर मीन सी लेवल से ऊपर है। तो ये कंटूर्स आपको बताते हैं कि एरिया में किस तरह का स्लोप है या एरिया प्लेन है। तो अब हम लोगों को एक फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का रोड बनाना था, तो हमने यहाँ किलोमीटर मार्क किया 5, हमने यहाँ किलोमीटर मार्क किया 6, मतलब अब हमें 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में रोड कंस्ट्रक्ट करना है। शुरू के 5 किलोमीटर बन चुके हैं, 6 के बाद के भी रोड बन चुके हैं, अब ये बीच को हमें कनेक्ट करना है। तो ये जो रेड लाइन्स है ये तो हो गए आपको कंटूर लाइन्स, अब इन कंटूर लाइन्स का जो कंटूर लेवल है वो आपको यहाँ ब्लू से दिया हुआ है 106, 108 और 108। अब आप जब ये 108 और 108 को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो दो लाइन है कंटूर लाइन्स ये आपको दोनों सेम लेवल पे ही है, मतलब ये आपको प्लेन एरिया है और ये वाला एरिया थोड़ा सा डाउन है। उसके बाद जब आप इसको देखेंगे यहाँ एक पॉन्ड है तो इसमें 104 है जो आपको इससे भी थोड़ा डाउन है, फिर इसके बाद आप देखेंगे अंदर में 102 है, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो टोटल एरिया है ये आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में है, ये आपको बाकी रोड लेवल से थोड़ा नीचे की तरफ है, क्योंकि ये 108 का लेवल पूरा बराबर था, इसमें 106 थोड़ा डाउन हुआ, फिर 106 के बाद 104 पॉन्ड पे आ गया, फिर 102 आ गया पॉन्ड का बॉटम। तो इस तरह से आपका ये तो क्लियर हो गया कि ये आपका पॉन्ड एरिया है, तो आप इसमें तो रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। अब आपको 108 का फाइनल हो गया कि आप इस 108 वाले में रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब आपको ये ब्लैक लाइन जो है ये आपको ड्राइंग में मैप में आपको बना करके दिया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको यहां से रोड स्टार्ट करना है और यहां पे रोड ला करके एंड करना है। अब इसमें आपको छोटे छोटे ये डिस्टेंसेस दिए गए 5x2, 5x4, मतलब 5 किलोमीटर से आप स्टार्ट किए थे, ये 5 किलोमीटर के बाद फर्स्ट 200 मीटर है, ये फर्स्ट 400 मीटर है, ये 600 मीटर है, ये 800 मीटर है और ये आपको 6 किलोमीटर है। तो ये आपका 1 किलोमीटर लंबा रोड हो गया। अब आपको ये इंटरवल्स दिखाए गए हैं कि ये जो आपका रोड लाइन है ये आपको 106 वाले कंटूर से 100 मीटर के इंटरवल पे है, और इधर भी आपको जो 108 चल रहा है वो आपको 100 मीटर के इंटरवल पे गिवन है। तो इससे क्या होगा कि आपको लोकेट करने में आसानी होगी कि आपको जो 106 का है वहां से आप 100 मीटर जब आप लोकेट करेंगे तो आपको इस रोड का लाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपको प्लान, इसमें आपको यहां से एक ब्रिज क्रॉस कर रहा है, एक स्ट्रीम क्रॉस कर रहा है, रिवर क्रॉस कर रहा है, इसको आपको यहां पे क्रॉस करना है, जिसका मतलब है कि यहां पे कुछ आपको इस तरह से ब्रिज बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपको उसमें शोन होगा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पूरे रोड में आपको एक सिंगल ब्रिज बनाना है और बाकी आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसकी हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल के बारे में, कि अब जो सारे इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होंगे रोड कंस्ट्रक्ट करने से पहले वो कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको प्लान में तो आपको कंटूर का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल होता है ये हमें बताएगा बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि आपका
फॉर्मेशन लेवल, ग्रेडियंट एंड वर्टिकल कर्व, नेचर ऑफ सॉइल, डेटम, डेप्थ ऑफ कटिंग, हाइट ऑफ बैंक, फॉर्मेशन लेवल, ग्राउंड लेवल एंड डिस्टेंस। अब ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी समझेंगे कि ये क्या क्या है। अब देखिए, ये जो आपका रेड वाला लाइन आप देख रहे होंगे, ये आपका ग्राउंड का एक्चुअल लोकेशन है, जो आपका एक्चुअल पोजीशन है ग्राउंड का, जो आप पहले जब साइट पे पहुंचते हैं, आपको जब रोड बनाना होता है तो आप सर्वे करने के बाद ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल आपके हाथ में आता है रेड वाला। अब आपने प्रपोज किया कि आपका जो प्रीवियस रोड कहीं से आ रहा था कंस्ट्रक्ट होकर के, वो कुछ इस लेवल पे आकर के यहाँ स्टॉप हुआ था। अब आपको यहां से कंस्ट्रक्शन करना है और नेक्स्ट लेवल आपको यहां से शुरू होता है, तो आपको इन दो हाइट को अचीव करना है। तो ऊपर से जो स्लोप आ रहा था उसको मेंटेन करते हुए आपने एक स्लोप में एक रोड बनाया जो आपको इस पॉइंट पे आकर के एंड हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका ब्लैक लाइन जो है, ये आपका डिसाइडेड है कि आप यहां रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड का लेवल या तो उससे नीचे है या उससे कहीं पे ऊपर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है जो हमारा रोड से ऊपर है, हम इसमें फिलिंग करेंगे, मिट्टी से फिल करके हम उसको इस लेवल तक पहुंचाएंगे। फिर जो हमारा ये वाला भी लेवल है, हम लोग इसमें भी फिल करेंगे। ये जितना भी पोर्शन आपको जो एक्चुअल ग्राउंड से जो आपका प्रोपोज हाइट है, आप उतने को फिल करेंगे। अब इसके बाद जो आपका बाकी जो कहीं कहीं पे आप देख रहे होंगे कि ये आपको रोड लेवल से ऊपर है, तो इन पोर्शंस को आप क्या करेंगे, कट करेंगे। ये सारे वो पोर्शन है जो आपको कट करने हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप इन्हीं पोर्शन को जिनको आप कट करते हैं, आप उनको कट करके जो बाकी लोकेशन है जहां आपको फिल करने हैं, आप उनको फिल करेंगे। अगर वो मिट्टी जितना कट हुआ है वो फिल को सेटिस्फाई नहीं करता, तो आप बाहर से फिर मिट्टी ला करके फिर उसके ऊपर आप उसको डिपोजिट करेंगे और तब आपका ये रोड का लेवल जो है ये प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको ये लाइन कहता है फॉर्मेशन लेवल इन रेड, मतलब जो आपका एक्चुअल रोड लेवल है वो आपको रेड से शो किया गया है। ठीक है, सेकंड आपको ग्रेडियंट एंड वर्टिकल कर्व, इस रोड में कहां कहां पे आपको ग्रेडियंट्स आने हैं या कहां कहां पे वर्टिकल कर्व्स आने हैं। तो क्योंकि वर्टिकल कर्व्स कहीं नहीं आने थे, तो इसमें कहीं भी आपको वर्टिकल कर्व का इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। अगर ये हिली रीजन पे होता तो आपको वर्टिकल कर्व का भी इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन रहता। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग एक प्लेन रीजन में रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अब ये क्या कह रहा है कि ग्रेडियंट फॉलो करना है, तो ग्रेडियंट किस तरह से फॉलो करना है। तो ये जो आप छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपको कहां गिवन है, लास्ट में गिवन है डिस्टेंस मीटर्स में, ये 150, 200, 250, 300, 350, मतलब ये 50 मीटर का एक एक इंटरवल है। अब इस बॉक्स को, इसलिए ये बॉक्स आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अब ये 50-50 का है, तो आप यहां देखेंगे कि इस वाले लाइन से लेकर के इस वाले लाइन तक आपको 1:200 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये 50 और ये 50, मतलब आपको 100 मीटर जो आपका स्टार्टिंग का रोड होगा उसका जो ग्रेडियंट होगा वो 1:200 हमें फॉलो करना है। ठीक है, 200 मीटर हम लोग हॉरिजॉन्टल जाएंगे, उसमें हम लोगों को 1 मीटर वर्टिकल जाना है। ये हमारा नेसेसरी कंडीशन है ग्रेडियंट के लिए। ये आपको कब है, फर्स्ट 100 मीटर के लिए, यहां के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको ये 200 ये वाले लेवल से लेकर के ये वाले लेवल तक आपको लेवल दिखा रहा है। लेवल का मतलब क्या है कि यहां पे आपको कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं होगा, रोड का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें हमें कोई ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड करना है। यहां हम लोग ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे, यहां पे आकर के बिल्कुल हम लोग लेवल कर देंगे, इसके बाद फिर आपको ग्रेडियंट दिखा रहा है, फिर आपको ग्रेडियंट दिखा रहा है, फिर आपको लेवल दिखा रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पे सारे कंडीशंस आपको गिवन रहेंगे लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में। इसमें आपको बताएगा कि ग्रेडियंट कितना कितना किस किस एरिया में प्रोवाइड करना है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये टोटल लेंथ 1 किलोमीटर का है, क्योंकि इसमें टोटल 1 किलोमीटर एडजस्ट करने में बहुत देखने में डिफिकल्टी होता, तो हम लोग कुछ दूर तक के लिए ही बनाए हैं, तो अगर हम इस पूरे को 1 किलोमीटर एज्यूम करते हैं तो हम इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे। अब ये 50 मीटर के भी हो सकते हैं, 100 मीटर के भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन होगा कि ये कितने कितने दूरी तक आपको ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है किस किस तरह से। इसके बाद आता है नेचर ऑफ सॉइल। अब आप जब कंस्ट्रक्शन करने जाएंगे तो आपको नेचर ऑफ सॉइल पता होना जरूरी है कि वहां पे सैंडी सॉइल है कि ग्रेवली है, क्योंकि उसी हिसाब से आपके वहां पे कितने मटेरियल्स किस तरह से प्रोवाइड होंगे, कितना कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड होगा, कितना वाटर आपको रिक्वायरमेंट होगा कॉम्पैक्शन करने से पहले। आपको अगर बहुत ड्राई एरिया होता है तो आप उसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रेड करते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर कॉम्पैक्शन करते हैं। तो ये सारी चीजें डिसाइड होंगी कि आपको किस तरह का सॉइल है। अगर आपको ग्रेवली सॉइल है तो आप कितना भी इसके ऊपर वाटर को आप पोर कर ले, वो आपको पोर्स के थ्रू नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको
एक्चुअल इसमें वाटर ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आप क्या करेंगे कि ग्रेविली आपको यहां से यहां तक दिखा रहा है, मतलब जो आपको 150 मीटर है उतने दूर तक ग्रेविली है। इसके हिसाब से क्या मतलब छोटे छोटे ग्रेवल्स है वहां पे, सॉयल जो है वो ग्रेवल शेप में है। तो आप क्या करेंगे उस हिसाब से आपका आगे का कंस्ट्रक्शन प्रोसीड करेगा। इसके बाद आता है एलुवियल, जो आपको 150 से लेकर के जो 250 तक का रीजन है उसमें आपको एलुवियल सॉइल्स है, तो उसके हिसाब से आपका कंडीशंस फिर रहेगा। फिर आपको सैंडी सॉइल है, जब सैंडी सॉइल आ जाएगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको सेटलमेंट ज्यादा हो सकता है, तो सारे जो आपके जीएसबी जो आपके डब्ल्यूबीएम रहेंगे उन सारे की जो थिकनेस है वो ज्यादा रहेगी इन जोन में जहां पे आपको सैंडी सॉइल रहेगा। फिर उसके बाद आपको एलुवियल दिया हुआ है, तो इस तरह से ये सारा सॉइल का जो इन्फॉर्मेशन है, नेचर ऑफ सॉइल, ये आपको इस टेबल में यहाँ पे गिवन होगा। इसके बाद आता है आपको डेटम, कि आपका डेटम क्या है। तो डेटम इसमें हमने डिसाइड कर रखा है, हम 95 मीटर मीन सी लेवल से हम अपना डेटम मान रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम आगे लेवल की बात करेंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा उस एरिया में रोड का एलिवेशन और डिप्रेशन कितना है, ठीक है। ये डेटम 95 पूरे रोड के लिए ही फॉलो किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये एरो दिखा करके इस तरह से, एरो एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में प्रोवाइडेड होता नहीं है, ये सिर्फ हम शो कर रहे थे आपको। इसके बाद डेप्थ ऑफ कटिंग, अब आपको इस पूरे प्रोफाइल में जो आपने देखा था, जो आपने शेड किया था, अब आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो टेबल में गिवन होते हैं, ये आपको निकालने नहीं पड़ते हैं, ये आपको गिवन है। जैसे फर्स्ट वाला बॉक्स में देखिए कुछ नहीं है, खाली है, लेकिन सेकंड वाले बॉक्स में 0.3 लिखा हुआ है। अब ये आपको मीटर में है डेप्थ ऑफ कटिंग, तो इसका मतलब क्या है कि इस रीजन से इस रीजन तक जो हमारा 150 से लेकर के जो हमारा 200 तक का जो रीजन था, इसमें हम लोगों को यहां से लेकर के यहां तक में हमें 0.3 मीटर का कटिंग करना है थ्रू आउट। तो हम इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक्चुअली ये प्रोफाइल जो है तो सिर्फ अंदाज से बनाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये होता कि एक्चुअल प्रोफाइल कुछ ऐसा होता रोड का, तो हमें ये पूरा पोर्शन कट करना पड़ता, तभी तो हमारा फिर ये इस ब्लैक वाले लाइन के लेवल को फॉलो करता। तो ये आपको डेप्थ ऑफ कटिंग में बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको कटिंग रिक्वायर्ड है, और फिर नेक्स्ट लाइन में बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है। हाइट ऑफ बैंक, हाइट ऑफ बैंक का मतलब क्या है कि एम्बैंकमेंट आप कितना प्रोवाइड करने वाले हैं, तो एग्जिस्टिंग लेवल से कितना हाइट वो आपको ये बताता है। जैसे यहाँ 0.35 मीटर रोड के एग्जिस्टिंग लेवल से, यहाँ 0.5, यहाँ 0.8, यहाँ 1.2। 1.2 का मतलब क्या है कि रोड काफी नीचे है और आपको जो रोड बनाना है उसका हाइट 1.2 मीटर आपके रोड के एग्जिस्टिंग लेवल से ऊपर है, तो उतना आपको फिलिंग करना पड़ेगा मिट्टी से। फिर यहाँ आपको रोड थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ 0.8 मीटर का फिलिंग करना पड़ेगा। फिर आपको 0.5 मीटर, यहाँ 0.35 मीटर, बीच में कुछ नहीं करना है। इसका मतलब है कि बीच में जो है ये आपका रोड जो है वो प्लेन लेवल पे है, या नहीं तो ये आपका कटिंग में था इसलिए आपको ये कटिंग में है, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक जगह पे या तो कटिंग होगा या तो एम्बैंकमेंट होगा, कोई एक ही चीज हो सकता है, या तो आप मिट्टी काटने वाले हैं या आप मिट्टी भरने वाले हैं, या नहीं तो वो लेवल होगा। लेवल होगा तो दोनों में ही कुछ नहीं लिखा होगा, ये दोनों ही बॉक्स खाली होंगे। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे यहाँ देखिए ये दोनों खाली है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ना हमें इधर कटिंग करना है ना हमें इधर कुछ फिल करना है, मतलब वो रोड लेवल ठीक है बिल्कुल, जैसा भी प्रोवाइडेड है वहां पे हम बस उसी पे रोड बना देंगे। तो ये होता है आपका डेप्थ ऑफ कटिंग एंड हाइट ऑफ बैंक। इसके बाद फॉर्मेशन लेवल्स, कि अब ये तो हो गए सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बात हो गई, अब जो आपका डेप्थ ऑफ कटिंग और एम्बैंकमेंट आया, इसके हिसाब से आपका रोड का एक्चुअल फॉर्मेशन लेवल कितना हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। तभी तो जब आप लेवलिंग करेंगे तो आपको उस समय एक आरएल पता होगा कि किसी पॉइंट पे कि आपको आरएल अचीव क्या करना है, तभी तो आप आगे लेवलिंग प्रोसीड करेंगे ना। या तो आपको प्रीवियस आरएल पता होना चाहिए या आपको आगे का आरएल पता होना चाहिए। तो आपको अब यहाँ पे हमें आरएल कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ फॉर्मेशन लेवल जैसे ये गिवन है कि 109.55 ये यहाँ का आरएल है, इसके बाद आपको 109.3, 109.3, 109.3, मतलब सारे जगह का आरएल 109.3 था, सिर्फ स्टार्टिंग का आरएल 109.55 था। अब इसमें क्या हो रहा था, हाइट ऑफ बैंक का 0.35 मीटर प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब पहले ही किसी का आरएल 109.55 है, इसमें आप और 0.35 का फिल कर दे रहे हैं, तो आपका जो रोड का जो ये वाला आरएल होगा ये कितना होगा, ये है 109.55 प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे 0.35, तो ये हो जाएगा आपका 109.9, ठीक है। तो ये आपको जाएगा 109.9, वो यहाँ का लेवल हो जाएगा 109.90। अब ये यहाँ का आपको आरएल मिल गया रोड का, इस सरफेस का फिल करने के बाद का। फिर सेम यहाँ भी हुआ, यहाँ पर आपको 109.3 था और यहाँ पे आपने 0.3 मीटर का कटिंग किया हुआ था, तो 109.3 आपको एग्जिस्टिंग था, 0.3 है, तो यहाँ पे आपको आएगा 109 मीटर। अभी आपको सॉरी ये ग्राउंड लेवल है, ये तो 90 ही रहेगा,
ये ग्राउंड लेवल का मतलब है कि यहाँ पे आपको 109.60 ये ग्राउंड का लेवल था और यहां से आपने क्या किया 0.3 मीटर का कटिंग किया, तो जब आपने कटिंग किया तो आपको रोड का लेवल आ गया 109.30। फिर सेम यहां भी था, यहां पे था आपको 109.90, इसमें से आपने क्या किया कि पॉइंट, ये कुछ गलती हो जा रहा है यहां, इसमें आपको 109 ये आपको फिलिंग हुआ ना, तो 109.20 यहां का ग्राउंड का लेवल था, इसमें आपने फिल किया 0.35, तो जब आप इसमें 109.20 में 0.35 फिल करेंगे तो 109.55 आपको फॉर्मेशन लेवल आ जाएगा। फिर 109.60 था, इसमें आप 0.3 मीटर आप कटिंग किए तो आपको 109.3 आ गया। सेम उसी तरह 108.8 यहाँ का ग्राउंड लेवल था, इसमें आप फिल किए 0.5 का तो 109.30 उसका लेवल हो गया। फिर 108.5 यहाँ भी था, इसमें आप ऐड किए 0.8 का तो आपको 109.30 यहाँ का भी लेवल आ गया। यहाँ भी सेम वैसे ही 108.10 ग्राउंड का एक्चुअल लेवल था, 1.2 मीटर आप फिल किए तो आपको रोड का लेवल 109.30 आ गया। तो आप ये चीज देखेंगे कि फर्स्ट वाला पोजीशन आपको हाई है, उसके बाद आपको ये सारा एक लेवल पे चल रहा है, तो ये है आपका रोड का लेवल जो आपका फॉर्मेशन लेवल कहलाता है। ग्राउंड लेवल की बात हो ही गई और उसके बाद आपको आ गया डिस्टेंस, जो आपके टोटल एक किलोमीटर का अगर आप ये लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बता रहे हैं तो आपको ये आपको डिस्टेंसेस बताएगा कि ये कितने डिस्टेंसेस पे ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे थे। तो ये हम लोग 150 मीटर से स्टार्ट कर रहे थे हमारा ये स्लोप 1:200, फिर 200 से ये कर रहे थे, 250 से ये कर रहे थे, इस तरह से आपको पूरे रोड का डिस्टेंस जो है ये आपको मीटर्स में दे दिया जाता है। इसके नीचे एक और चीज होता है कि किलोमीटर में भी दे दिया जाता है, क्योंकि अगर हम एक किलोमीटर का बना रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग जीरो होगा, लास्ट में वन हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में मिलती है, एक रोड के ड्राइंग में, रोड के मैप में, जिसमें आपको प्लान गिवन रहता है और इसी प्लान का ये फॉर्मेशन लेवल आपको लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बना हुआ रहता है। तो ये हो गया रोड के लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल की सारी बात। अब हम लोग बात करेंगे रोड के क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल के बारे में, कि जब हम रोड के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं, अगर हम एक रोड को यहां से इस तरह से कट करके देखेंगे, तो जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पे हमारा किस तरह से WBM आएगा, उसके ऊपर नीचे GSB आएगा और उसके नीचे आपको फिर ये आपका अर्थ रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको क्रॉस सेक्शन में दिखेंगी। तो अब हम लोग जानेंगे कि क्रॉस सेक्शन जब हम काटते हैं तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा रोड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रोड के क्रॉस सेक्शनल व्यू के बारे में, कि क्रॉस सेक्शनल व्यू में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होते हैं, किस तरह से हम क्रॉस सेक्शन के ऊपर वर्क करते हैं। तो अब जैसे कि आप फिर से रेड लाइन देख रहे होंगे, ये रेड लाइन आपको सॉइल का सरफेस है, जो आपका एक्चुअल ग्राउंड लेवल है। अब इसमें आपका प्रपोज साइट ये वाला है, जहाँ पे आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं, आपने यहाँ पे अपना रोड का साइट प्रपोज किया कि यहाँ आपका रोड कंस्ट्रक्ट होगा। अब ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है क्या, आपका ये रोड था, अब इस रोड को आप किसी भी पॉइंट पर अगर क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो आपको ये रोड कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो इसी क्रॉस सेक्शन में हम लोग क्या हो रहा है कि अब हम लोग रोड का जो क्रॉस सेक्शन काट रहे हैं वो कुछ दूर से काट रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें इधर के भी जो सॉइल से उनका इन्फॉर्मेशन और इधर के भी जो सॉइल से उनका इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो आप सही से देखेंगे तो ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है जिसमें आपको लेफ्ट साइड के सॉइल का ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, राइट साइड में स्पेस नहीं था इसलिए इसको ब्रेक लाइन करके दिखा दिया गया। राइट में भी कुछ वैसा ही होता, वो स्लोप में चला जाता, तो ये टेबल उस हिसाब से बड़ा बनता। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहला डेटम लाइन आपने 95 मीटर लिया था, 95 मीटर शो कर दिया गया है और आपका टॉप का लेवल 110 मीटर शो कर दिया गया है। मतलब ये जो सारे लेवल्स की हम लोग बात करेंगे ये 95-110 मीटर के अंदर के होंगे, ये इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 95 मीटर पहले लोकेट करेंगे साइट पे और फिर वहां से हम लोग 110 मीटर के अंदर में सारा लेवल पे अपना काम करेंगे। नेचर ऑफ सॉइल यहाँ दे दिया गया कि ये एलुवियल सॉइल है, तो नेचर ऑफ सॉइल वैसे भी आपको लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में आपको मिल चुका था कि नेचर ऑफ सॉइल क्या है, तो आपको इसमें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। नेक्स्ट आ रहा है डेप्थ ऑफ कटिंग, अब आपको कहाँ पे कटिंग करना है। तो आपको सही से अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये लेवल है या आपको ग्राउंड लेवल जो है ये आपको दे रहा है 108.5, 108.3 एंड 108.2 और 108.1, मतलब ये ग्रेजुअली कुछ इस तरह से स्लोप में जा रहा है। अब आपका जो यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल है ये 109 है, इसका मतलब क्या है कि आपको रोड के सारे एरिया में तो ये फिलिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक्चुअल में आपको जो लेवल है वो 108.321 है और आपको जो बनाना है रोड का लेवल वो 109.0, 109.2 एंड 109 है, मतलब सारे से ऑलमोस्ट एक मीटर का डिफरेंस है जो कि आपको फिलिंग होगा। तो इसका मतलब है कि जब आप डेप्थ ऑफ कटिंग की बात करेंगे तो इन तीनों जगह पे तो आपको डेप्थ ऑफ कटिंग नहीं आने वाला है।
लेकिन जब आप साइड में आएंगे, जब आपका साइड स्लोप आप मेंटेन करेंगे, फिर आप वहां पे बर्म देंगे, फिर आप ड्रेन देंगे, आप प्लांटेशन करेंगे, उस जगह पे आपको डेप्थ ऑफ कटिंग 0.7 मीटर रिक्वायर्ड है। मतलब जो ग्राउंड का एक्चुअल लेवल है 108.5, इसमें आपको 0.7 मीटर, हो सकता है कि ये यहां है तो आपको यहां पे लेवल लाना है ताकि ये आपका रोड इस तरह से स्लोप में कंस्ट्रक्ट हो सके। तो ये लेवल बनाने के लिए, क्योंकि रोडवे क्या होता है, जहां आपका टोटल एंड टू एंड का जो डिस्टेंस होता है वो रोडवे कहलाता है। तो आपको इसके बाद यहाँ पे प्लांटेशन आएगा, ये इस तरह से आपको प्लांटेशन लगेगा, फिर यहाँ पे आपको ड्रेन रहेगा। तो ये मैक्सिमम यहाँ तक का वो कह रहा है कि आपको इतने रीजन में आपको 0.7 का कटिंग करना पड़ेगा। ये इतना रीजन कितना होगा, फिर से यहाँ से हम लोग इंटरवल देख लेंगे कि यहाँ 15 मीटर है, यहाँ 10 मीटर है, मतलब 5 मीटर के इंटरवल में हमें 0.7 मीटर का कटिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको हाइट ऑफ बैंक। हाइट ऑफ बैंक देखिए, अब आपको यहाँ लेवल पता था कि 108.3 है ग्राउंड का लेवल, 109 आपको अचीव करना था, मतलब 0.7 मीटर आपको इतने रीजन में आपको 0.7 मीटर फिलिंग करना था। इसके बाद आपको फिर यहाँ 108.2 है, आपको 109.2 चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे 1 मीटर के आसपास फिलिंग लगना था, और इसके बाद आपको यहाँ पे 0.9 मीटर का लगना था। तो ये आपको हाइट ऑफ बैंक का इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है, इसको देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये रोड का लेवल है ही नहीं, क्योंकि आप क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन एक रोड का बहुत छोटा होगा उसके लेंथ के कॉम्पेटिवली। अगर आपको 1 किलोमीटर का लेंथ है तो हो सकता है कि ये क्रॉस सेक्शन आपको 12 मीटर का ही हो सिर्फ, तो ये 12 मीटर में ही आपको ये सारे काम होने हैं। तो ये हाइट ऑफ बैंक जिस बॉक्स में लिखा होगा ये भी देख के आप समझ सकते हैं कि आपका रोड का लेवल यहाँ पे है, इधर आपका रोड नहीं है, साइड का एरिया है। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मेशन लेवल जो है वो आपका आ गया 108.5 में, जब आपने 0.7 का कटिंग कर दिया तो 107.8 आपको यहाँ का लेवल मिल गया। उसके बाद आपको 108.3 यहाँ था, इसमें आपने 0.7 भरा तो 109 मिल गया, 108.2 में 1 भरा तो 109.2 मिल गया, और फिर ये 109 मिल गया। तो आपको रोड का फॉर्मेशन लेवल यहाँ से ऑप्टेन हो जा रहा है। अब आपका काम है कि इस फॉर्मेशन लेवल को लेकर के आपको लेवलिंग करना है साइट पे, और आपको इस वाले पॉइंट का लेवल पता है, इस वाले पॉइंट का लेवल पता है, और इस वाले पॉइंट का लेवल पता है। आपको 109 और 109.2 आपको तीन लेवल्स पता है। ये दोनों एज नीचे की तरफ होता है, बीच वाले में आपको कैम्बर प्रोवाइडेड होता है, मतलब ये कैम्बर में स्लोप में रहता है, तो आपको बीच वाला पोर्शन रेस किया हुआ रहता है, तो 0.2 मीटर से ये एरिया रेस किया हुआ है। आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जा रहा होगा कि रोड में 0.2 का स्लोप प्रोवाइड किया गया है, जो डिफरेंस है टॉप और सेंटर में एज में वो आपको 0.2 का डिफरेंस है। तो ये क्लियर हो गया कि आपका हाईवे कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपको डिस्टेंस, मतलब आपको डिस्टेंस ये तो खत्म ही हो गया, ये तो आपको ये आपको 0 मीटर गिवन है, यहाँ से 5 मीटर है, यहाँ से 5 मीटर है, फिर यहाँ से 5 से 10 मीटर है, 10 से 15 मीटर है। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आपको ये जो भी वर्क करने हैं ना, ये कितने इंटरवल्स पे करने हैं। जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में पढ़ा, सेम चीज यहाँ आपको क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल में भी आपको डिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो क्रॉस सेक्शन में आपको सिर्फ ये लेवल का ही काम ज्यादातर होता है। अब आपको लेवल्स मिल गए हैं, अब आप क्या करेंगे कि साइट पे जाकर के लेवलिंग करेंगे, और जहां जहां पे आपको 109 प्रोवाइड करना है आप 109 मार्क करते जाएंगे और वहां पे अपना फिलिंग या कटिंग स्टार्ट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट में ही आपको लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल, प्लान, ये सारी चीजें आपको जो मैप में अवेलेबल थी उनको रीड करना और इसको साइट पे जाकर के अलाइनमेंट करना, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इन मैप्स में अवेलेबल होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम लोग क्या क्या गवर्निंग फैक्टर्स होते हैं अलाइनमेंट के, किस तरह से हम लोग ड्राइंग को रीड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल क्या होता है रोड का, क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।